हेलो दोस्तों, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइस, सुजुकी मैक्स 100 का गैस शाफ्ट कैसे फिट करते हैं, तो गाइस आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है सरा, फाइव सरा, देखिए। तो गाइस ये मैं पूरा फाइव सरा, उसका जो छेद आपको दिखा रहा है उस छेद में मैं लगा देता हूँ। तो गाइस आज का इस वीडियो में गियर शाफ्ट, प्राइमर गियर और किस तरह फिट किया जाता है तो मैं आपको मैं दिखाऊँगा। तो गाइस देखिए ये सुजुकी के गियर शाफ्ट, देखिए गाइस, देखिए गियर शाफ्ट को इस तरह फिट कर देना है। गाइस देखिए मैं गियर शाफ्ट बिल्कुल अच्छे से फिट कर दूंगा और उसके जो स्प्रिंग के जो बोल्ट दिखा रहा है उसमें गैप में फिट कर देना चाहिए। उसके बाद जो वो गियर मैकेनिज्म के नीचे बिल्कुल जो गियर बैरल लगा हुआ है उसके नीचे उसका शाफ्टिंग को फिट कर देना चाहिए। देखिए और इस देखिए ये है पट्टी जो गियर बैरल को लॉक करती है। देखिए तो ये पट्टी को इस तरफ 2 mm का बोल्ट लेकर फिट कर देना चाहिए। इस पट्टी का काम यही है कि जो आप देख रहे हैं जो फाइव सरा लगा हुआ है उसको बोलते हैं गियर बैरल बाहर की तरह ना आ जाए, इसलिए गियर बैरल को ये पट्टी लॉक कर देती है। उसके बाद 10 mm का टीपाना लेकर गाइस इन 2 बोल्ट को पूरी तरह फिट कर देना चाहिए। तो गाइस हमारा वीडियो एंड तक देखना है, हमारा वीडियो में एंड तक देखोगे। तो गाइस देखिए पट्टी तो फिट हो गई। उसके बाद देखिए ये दूसरी पट्टी आती है गियर बैरल को लॉक करने के लिए और इसमें जो ये इस बोल्ट को इस तरह फिट किया जाता है। उसके बाद एक वॉशर आता है, आपको मैं दिखाऊंगा। और वॉशर लगाने के बाद आपको एक चेक कर लेना चाहिए कि ये पट्टी बिल्कुल इसमें फ्री रहनी चाहिए। अगर ये पट्टी फ्री नहीं रहेगी तो गाइस आपके गियर में दिक्कत होगी। तो गाइस देखिए इसको इस समय इस तरह फिट किया जाता है और इस पट्टी को गियर बैरल को इस तरह लॉक किया जाता है। और इस पट्टी का यही का काम है गाइस, जो आप गियर मैकेनिज्म गियर शिफ्ट करते हो तो गाइस ये गियर को लॉक करने का काम यही पट्टी करती है। और उसके बाद जो स्प्रिंग आती है ये इस तरह लॉक होनी चाहिए। तो गाइस यही पट्टी को 12 mm का टीपाना लेकर पूरी तरह फिट कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए इस पट्टी का काम यही है गियर बैरल को लॉक करना। आपको इसको यही हिलाकर चेक कर लेना चाहिए कि इस पट्टी जाम तो नहीं हो गई। अगर इस पट्टी वर्क नहीं करेगी तो आपका गियर मैकेनिज्म में पूरी दिक्कत होगी और आपका गियर मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होगी। तो गाइस देखिए इस हिलाकर चेक कर लेना चाहिए। और इसके बाद जो उस पर एक फोरफेर वाला स्क्रू आता है, देखिए इस फोरफेर वाला स्क्रू इस गाइस देखिए फोरफेर वाला स्क्रू मैं पूरी तरह टाइट कर देता हूँ फोरफेर की मदद से। तो यही का काम है गाइस, जो आपने मैंने दिखाया था वो फाइव सरा उसको लॉक कर देता है। उसके बाद देखिए यही का टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। गाइस देखिए ये है कि किस स्प्रिंग, इसको किस स्प्रिंग बोलते हैं। तो गाइस इस स्प्रिंग को सबसे पहले इस तरह लगाना है जो किक पर जो छेद आता है इस पर उसके स्प्रिंग का एक भाग इसमें लगा देना है। उसके बाद देखिए यही है उसका कॉलर वर्क, वो कॉलर है बिल्कुल स्प्रिंग का जो कट है उसमें फिट कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए इस तरह फिट कर देना चाहिए कॉलर। उसके बाद जो स्प्रिंग का एक भाग है उस पूरी तरह रोटेट करके, देखिए मैं कैसे देखा रोटेट करता हूँ, इस तरह घुमा के पूरा जो देखिए इस तरह स्पेस की मदद से आगे जो उस पर लॉक होता है इस तरह स्पेस की मदद से लॉक कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए मैंने ये किक का टाइमिंग भी मिला दिया है। उसके बाद जिसकी किक लगाकर पूरी तरह चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कितना टेंशन वर्क कर रहा है। तो गाइस देखिए एक किक लगाकर मैं पूरी तरह उसको चेक करा, बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो में देखिए ये है उसका कॉलर जो बेयरिंग के बाद लगता है, तो ये कॉलर भी लगा देना चाहिए। उसके बाद देखिए मैग्नेट की उसको की बोलते हैं जो उस पर प्राइमर गियर ही लॉक होता है, तो सबसे पहले की लगा देनी चाहिए। की लगाने के बाद गाइस ये देखिए प्राइमर गियर है। तो गाइस देखिए ये प्राइमर गियर को इस तरह फिट कर देना चाहिए। प्राइमर गियर का गाइस काम यही है जब फ्रेम घूमती है तो फ्रेम घूमने के बाद प्राइमर गियर घूमता है और प्राइमर गियर क्लच कटोरा को अटैच करता है। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।